हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के तत्वाधान में संचालित प्रेयर ग्रुप के चौथी वर्षगांठ पर मैं ग्रुप एंकर मीता आर्नल्ड आप सभी मसीही भाई बहनों का यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में अभिवादन करती हूँ। प्रेयर ग्रुप के सभी भाई बहनों की ओर से आप सभी हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप में जुड़े मसीही भाई बहनों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। इन चार वर्षों के पूर्ण होने पर सर्वप्रथम हम अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना के लिए आमंत्रित करते हैं सिस्टर सुमन को जो इंदौर से हैं। तो सुमन प्रारंभिक प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। बाइबल स्टडी ग्रुप में जितने भाई बहन जुड़े सभी को हे मसीह की हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है जो उजियाले को चादर की नाई ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारी सृष्टि के मालिक खुदावन पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर हर एक के ऊपर अपना नियंत्रण लीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हर एक भाई बहनों की अगुवाई करे प्रभु। जो आपने हमें सहायक दिया है सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपकी करुणा आपकी भलाइयों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज की गवाही आज की महिमा आज की आराधना पिता परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य हो पिता। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमारे बीच में कोई भाई बहन बीमारी की हालत में है कमजोर है विश्वास में पिता परमेश्वर निर्बल है खुदावन पिता परमेश्वर आप निर्बलों का बल है और निर्बुद्धियों का ज्ञान है मेरे पिता परमेश्वर। आप चंगाई देने वाले पिता परमेश्वर है राजा। धन्यवाद करती हूँ पिता आपने मेरी प्रार्थना को सुना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात को तेरी सच्चाई पिता परमेश्वर हर एक के साथ में बनी रहे। इस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर आप मेरी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र मधुर नाम से मांगती हूँ आमीन और आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन सिस्टर आपको प्रारंभिक प्रार्थना के लिए जो आपने आज के दिन किया है। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे हर आवश्यकता आपकी पूरी करे और आप भली चंगी रहने पाए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद और आपको भी हृदय से धन्यवाद। वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है। समय होगा एक विशेष गीत का जिसकी प्रस्तुति सिस्टर ममता भोपाल द्वारा की जाएगी। सिस्टर ममता आइए हम प्रभु की महिमा करें। जितने भी जुड़े सभी मसीह बहन भाइयों को इस मसीह के मधुर मुझे नाम में जय मसीह जी। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। अरे प्यार तू करता इतना, अरे प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। ओ तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुवत, असमत और जलाल के बादशाह तुझ है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। ओ तेरे कलाम है से ओ जैसे हो अनमोल मोती, चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। शाहे जमा तू जिंदा खुदा तू, शाहे जमा तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है, यहोवा
मुझे तेरी जरूरत है। अरे प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुदी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, ओ आस्था को तूने बनाया, समुद्र की हद ठहराई, चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, ओ बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, ओ बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद ममता सिस्टर सुंदर गीत के लिए जो परमेश्वर की स्तुति में आपने प्रस्तुत किया। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे सुंदर प्रस्तुति के लिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद और आपको भी हृदय से धन्यवाद। निश्चय इन चार वर्षों में प्रार्थनाओं द्वारा बहुत सारे अद्भुत आश्चर्यजनक और अलौकिक कार्य हुए हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक अलौकिक या सुपर नेचुरल परमेश्वर है। प्रार्थनाओं द्वारा हुए कार्यों को गवाही के रूप में बताएंगी सिस्टर निर्मला भोपाल से। सिस्टर निर्मला, हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप द्वारा संचालित प्रेयर ग्रुप में जितने भी विश्वासी और भाई बहन हैं, उन सभी का आज प्रेयर ग्रुप के चौथे वर्षगांठ में स्वागत करती हूं और आपके बीच में लेकर उपस्थित हूं गवाहियों का सिलसिला। कुछ एक दो ऐसी गवाही देना चाह रही हूं जो जीवन पर्यंत खत्म नहीं होता है। गवाही ये है कि हमारे बीच में जो सिस्टर अभी प्रेयर लीड कर रही है, सिस्टर अर्नॉल सिस्टर, उनकी फ्रेंड है रोजी, उनको कैंसर था जिसको प्रभु ने कैंसर से छुटकारा दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और पॉल बेंजामिन दल की पत्नी अरुणा, जिनकी जीभ में कैंसर था, उनको भी प्रभु ने छुआ और कैंसर जैसी बीमारी से छुटकारा दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अब वो सभी प्रकार के स्वादों का आनंद ले रही हैं और सब प्रकार का भोजन अच्छी तरह से कर पा रही हैं। और पिछले 15 नवंबर से लेकर इस साल के वर्षगांठ तक नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमने लगभग 60 महिलाओं के लिए हमने प्रार्थना की, जिसमें से 25 से 27 महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी हुई है। और पिछले 15 नवंबर को ही धनवंती सिस्टर की भाभी पुष्पा पाचे को प्रभु ने नॉर्मल डिलीवरी दिया, उसमें बेटा हुआ। और रिसेंटली 12 नवंबर को विलास भाई की पत्नी के भाभी को भी 12 नवंबर को नॉर्मल डिलीवरी हुई है और 6 नवंबर को भी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम गुरुवार के दिन सुबह 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक चंगाई और छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं। तो हमारे ग्रुप में पहले रोशनी जुड़ती थी, विनोद की पत्नी है, उसके गॉल्ड ब्लेडर में 45 से 46 एमएम की पथरी थी और पथरी में डॉट डॉट जैसा आ गया था, तो बहुत बड़ी मात्रा में पथरी थी। तो उसके ऑपरेशन के लिए शांति सिस्टर ने प्रार्थना किया और उसी दिन गुरुवार को ही उन्होंने प्रार्थना किया और गुरुवार को ही प्रभु ने डॉक्टर के मन को बदला और उसी दिन ऑपरेशन हुआ और उसको दर्द से छुटकारा मिला। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो इतनी ज्यादा परेशान होती थी, इतना बड़ी मात्रा में पथरी थी कि उसको उठना बैठना खाना पीना सब मुश्किल था और उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण ऑपरेशन करने से डॉक्टर मना कर रहा था। तो उसी दिन प्रार्थना हुई और उसी दिन डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो अभी तक की मेरी यही गवाही है। धन्यवाद प्रभु का और आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला सिस्टर, सुंदर रूप से आपने प्रेयर ग्रुप में होने वाली प्रार्थनाओं के द्वारा जो लोगों ने आशीषें प्राप्त की हैं उसके विषय में गवाही को दिया है। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे और आपको भला चंगा रखे। हम परमेश्वर पिता का इन बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और आपको भी हृदय से धन्यवाद देते हैं। समय होगा हिंदी बाइबल स्टडी द्वारा संचालित प्रेयर ग्रुप के विषय में विस्तृत जानकारी देंगे भाई जॉर्ज जबलपुर से। भाई जॉर्ज। सभी भाई बहन जितने भाई बहन जुड़े हैं समय,
सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ। ये प्रेयर ग्रुप जो है 2019-15 नवंबर से स्टार्ट हुआ था। पहले मात्र 2 लोगों से ग्रुप शुरू हुआ था, मैं और पास्टर पीयूष के द्वारा जो भोपाल में है। तो 2 लोग हम लोग पहले एक टाइम प्रार्थना करते थे, कुछ ऐसी समस्याएं आ गई थी उनको लेके। फिर धीरे धीरे हम कुछ लोग और जुड़े तो 2 टाइम प्रार्थना करना शुरू किया। फिर जब लॉकडाउन लग गया 2020 में तो ज्यादा लोग जुड़ने लगे, तो हम लोगों ने 3 टाइम प्रार्थना करना शुरू किया, सुबह 4:30 से 6 और दिन में 1 से 2 और रात्रि में 9 से 10। तो वो प्रार्थनाएं चलती रह रही है और उसमें काफी लोग जुड़े, कभी लोग जुड़ते हैं, कभी लोग कम हो जाते हैं, कभी इस प्रकार लगभग 28 लोग करीब प्रेयर ग्रुप में समान मेंबर हैं। लेकिन अब कभी कोई जुड़ता कभी नहीं जुड़ता, जो जुड़ते रेगुलर कम से कम 15-16-18 लोग डेली जुड़ते हैं, कभी सुबह कभी दोपहर कभी शाम। और इसमें क्या है कि हर सुबह 4:30 से 6 हर अलग अलग विषय प्रार्थना की जाती है, कि विषय हम लोग नहीं लेते हैं। जैसे कि सोमवार को एक दूसरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के, अपने जिले के अधिकारों के लिए। फिर मंगलवार को सुबह जो प्रार्थना होती है, तो जैसे निर्मल जी ने बताया उस विषय के लिए बहनों की प्रार्थना होती है। और बुधवार को जो सुबह प्रार्थना होती है उसमें जीवन साथी और रोजगार संबंधी प्रार्थनाएं की जाती है। और आधे घंटे का वचन है, जिसको हम ग्रुप में ही लोगों को तैयार करते हैं, वचन देते हैं। फिर गुरुवार को चंगाई छुटकारा वाली प्रार्थना होती है और शुक्रवार को सुबह जो अपने 4 ग्रुप चलते चारों ग्रुप के लिए प्रार्थनाएं की जाती है अलग अलग विषय लेके। फिर शनिवार को सुबह हर एक पासवानों के लिए और प्रभुदास दासों के लिए प्रार्थना की जाती है। तो इसमें जो है अलग अलग लोग लीड करते हैं, 2 दिन मैं करता हूँ और 1 दिन निर्मल शैली करती है, 2 दिन ममता, 1 दिन सुमन, अलग अलग लीड करते हैं। फिर दिन में जो प्रार्थना होती है हम लोग की 1 से 2, उसमें हम लोग क्या करते हैं, आधे घंटे प्रेयर रहती है पूरे कुछ विषय लेके पांच बहनों के लिए जो सताए उनके लिए, और आधे घंटे हम लोग बाइबल स्टडी लेते हैं। तो हम लोगों ने उत्पत्ति से शुरू किया था और इस समय भजन संहिता पर हम लोग पहुंचे। ये लोगों को ज्ञान दिया जाता है स्टडी के रूप में, प्रीचिंग नहीं लेकिन स्टडी, बाइबल टीचिंग। और शाम को जो रात्रि में प्रेयर होती है 9 से 10, उसमें हर दिन अलग अलग विषय, जैसे शनिवार को कभी कभी बाइबल स्टडी रहती है, एक बार पास्टर जी लेते हैं, और नहीं लेते तो फिर दिव्यांग भाई बहनों के लिए प्रार्थनाएं की जाती है। संडे को अलग विषय में प्रार्थना की जाती है 7 विषय लेके, जैसे अनाथ विधवा और ये कई प्रकार के विषय। सोमवार को अलग विषय पर प्रार्थना की जाती है। मंगलवार को हम लोग के 2 ग्रुप बनते ज्यादा लोग होने से उसमें एक दूसरे के लिए विषय पूछ के प्रार्थनाएं करते हैं। इसी प्रकार बुधवार को प्रार्थना होती है और शुक्रवार को भी ऐसे 7 विषय पर। और हम लोगों की क्या है कि हर शुक्रवार और संडे आराधना होती है, शुक्रवार को 1 बजे से 2:30 बजे तक और संडे को 6 बजे से 7:30 बजे तक आराधना होती है। उसमें हम लोग अलग अलग वक्ताओं को वचन के लिए निर्धारित करते हैं। और माह का जो 4th सोमवार, उसमें महिला मीटिंग रहती है और उसमें महिलाओं को ही हम वचन के लिए इनवाइट करते हैं। और माह के 3rd गुरुवार को 11 से 1 बजे तक हम लोग की ऑनलाइन प्रेयर होती है। पहले 2 सेशन चलते हैं, एक ही सेशन चलता है। ये हमारे प्रेयर ग्रुप के रूपरेखा है। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो बेरोजगार और जीवन साथी के लिए प्रार्थनाएं की जाती है उसका मैं ही लीड करता हूँ। तो उसमें 1 साल के अंदर कम से कम 4-5-6 लोग को प्राइवेट जॉब मिल चुकी है और जिनको जीवन साथी भी कई लोग को मिल चुके हैं, जिसमें 3 जीवन साथी प्रेजेंट में हैं। एक की शादी अभी दिसंबर में है भाई सिरिल की, एक भाई की शादी है जनवरी में और एक भाई की शादी फरवरी में। तो सब प्रार्थनाओं को उत्तर है जो परमेश्वर बरबदू देता है। ये ग्रुप किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, परमेश्वर ने अगुवाई किया इसलिए ग्रुप बना और ये ग्रुप हमेशा हमेशा चलता रहेगा। और ये ग्रुप अपने हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप से अटैच है। जो 4 ग्रुप चलते हैं, हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप, जवानों का ग्रुप, संडे स्कूल बच्चों का ग्रुप और प्रेयर ग्रुप, ये 4 ग्रुप एक है, उसको हम लोग अलग नहीं मानते, ये 4 ग्रुप एक ही है। धन्यवाद, प्रभु आप सबों का बहुत आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद जॉर्ज भाई, सुंदर तरीके से आपने प्रेयर ग्रुप के विषय में जानकारी सबों को दी है। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का जिसने आपको लीडर के रूप में इसमें रखा है।
आप और पास्टर ग्रेगरी के द्वारा जो ये संचालित किया जा रहा है जिसमें मैक्सिमम लोग जुड़ने पाते हैं, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु आप लोगों को और भी अपने सामर्थ्य से भरे ताकि आप इस ग्रुप को लगातार चला सकें। हम सब आपके साथ हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आपको भी हृदय से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आराधना करने वालों से प्रसन्न होता है। समय है हम परमेश्वर की आराधना करें और इस हेतु मैं आमंत्रित करूंगी सिस्टर अंजना चौधरी को कि वो प्रभु की आराधना करें। आप सभी को जय मसीह के परमेश्वर के नाम में। जय मसीह। मेरा नाम अंजना है, मैं जिला नरसिंहपुर से हूँ। सभी ग्रुप में सभी सदस्यों को जय मसीह की। मेरी ओर से एक परमेश्वर का गीत है। ऐ मेरे खुदा मुझ पर कर दे ये मेहरबानी, ऐ मेरे खुदा मुझ पर कर दे ये मेहरबानी, आकर के पिला दे अब जीवन का मुझे पानी, आकर के पिला दे अब जीवन का मुझे पानी, तो बन के रहा मेरा एक दोस्त हमेशा से, तो बन के रहा मेरा एक दोस्त हमेशा से, पर मैं न बना तेरा मेरी थी ये नादानी, ऐ मेरी खुदा मुझ पर कर दे ये मेहरबानी, दिल मेरा परेशान है पापों के अंधेरों में, तू चाहे तो मिट जाए मेरी ये परेशानी, तू चाहे तो मिट जाए मेरी ये परेशानी, ऐ मेरे खुदा मुझ पर कर दे ये मेहरबानी, अब आज से मैं यीशु तेरी ही तो बनती हूँ, मेरा तो ये जीवन है तुझ पर ही समर्पित हो, मेरा तो ये जीवन है तुझ पर ही समर्पित हो, ऐ मेरे खुदा मुझ पर कर दे ये मेहरबानी, आकर के पिला दे अब जीवन का मुझे पानी। जय मसीह की। धन्यवाद अंजना सिस्टर, आपको बहुत सुंदर रीति से आपने प्रभु की आराधना की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आपको भी हृदय से धन्यवाद देते। प्रभु आपके भविष्य को अपने हाथ में ले और अपनी योजनाओं के अनुसार आपको आशीषित करे। हमने जितने भी कार्यों को किया है सब आवश्यक है, लेकिन इन सभी कार्यों के ऊपर यहाँ तक कि अपने नाम से अधिक परमेश्वर ने वचन को महत्व दिया है। सो समय है अब वचन की सेवकाई का। मैं भाई सलिल जो जबलपुर से हैं उनसे आग्रह करूंगी कि वचन की सेवकाई करें। भाई सलिल। आप सभी को जय मसीह। सावित्री और परमेश्वर के वचन में चलें। सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और आज के इस प्रेयर ग्रुप के जितने भी हमारे मसीही भाई बहन प्रार्थना के लिए योद्धा हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप परिपूर्ण होकर परमेश्वर की महिमा के लिए आप अपने समय को जो देते हैं उसको परमेश्वर याद रखते हैं। आइए परमेश्वर के वचन में हम चलते हैं। प्रिय कुछ बात आज के प्रार्थना के योद्धाओं के विषय में जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाली है वो आपसे बांटूंगा। सर्वप्रथम हम आज देखेंगे प्रियो पांच प्रकार की सेविकाई के बारे में, जिसको अंग्रेजी में फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री बोला जाता है। पांच प्रकार की सेविकाई क्या होती है आइए हम उसको परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। इफिसियों की पुस्तक उसका चौथा अध्याय और उसकी ग्यारहवीं पद को अगर आप देखें तो वहाँ इन पांच प्रकार की सेविकाई के बारे में बहुत विस्तार से बताया है प्रियो, जो कि पौलुस को परमेश्वर से प्रकाशन के द्वारा मिला है।
सबसे पहले जो पांच प्रकार की जो सेविकाएं होती है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें इन सेविकाई में तो वो आते हैं प्रेरित, जिसको यीशु मसीह के चेले भी बोला जाता है और अंग्रेजी में इसको अपोस्टल्स बोला जाता है। त्रियो जो 12 चेले थे वो प्रेरित कहलाए, हम सभी जानते हैं इस बात को। तो सबसे पहले आते हैं हमारे प्रेरित, दूसरे आते हैं भविष्यवक्ता, अर्थात अंग्रेजी में जिन्हें प्रॉफिट कहा जाता है, जैसे कि यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल आदि जो है ये भविष्यवक्ता होते हैं। तीसरे पद पे जो आते हैं त्रियो वो होते हैं सुसमाचार सुनाने वाले, जिन्हें अंग्रेजी में इवेंजेलिस्ट बोला जाता है। चौथे स्तर पे आते हैं स्टीवर्ड्स या रखवाले, जिन्हें अंग्रेजी में स्टीवर्डशिप भी कहा जाता है और हिंदी में साधारण शब्दों में जिसे भंडारी बोला जाता है। पांचवे जो होते हैं प्रिय वो उपदेशक या शिक्षक, जिन्हें अंग्रेजी में पास्टर्स या टीचर्स बोला गया है। इन पांच लोगों को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए चुना है। प्रिय इनकी जो सेविकाई होती है उसको हम अंग्रेजी में फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री और हिंदी में पांच प्रकार की सेविकाई बोलते हैं। प्रिय यह पांच प्रकार की सेविकाई पॉलिस को प्रकाशन में यीशु मसीह ने दिया, जिसे हमने अभी इफिसियों 4 अध्याय की 11वीं पद में देखा। यह पांच प्रकार की सेविकाई कलीसिया में इसीलिए दिया गया कि प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार पाया हुआ हर व्यक्ति सिद्ध हो जाए या सिद्धता को प्राप्त करे, ताकि परमेश्वर के वचन की सेविकाई वह अच्छी रीति से कर सके। आप जिस भी क्षेत्र में परमेश्वर के वचन की सेविकाई करते हैं, एज अ पास्टर, एज अ प्रॉफिट, एज अ टीचर या और भी किसी अन्य माध्यम से प्रयोग, तो उससे परमेश्वर के राज्य का विस्तार होता है, परमेश्वर की सुसमाचार की सेविकाई होती है प्रयोग, जिसे परमेश्वर हर एक विश्वासी के जीवन में देखना चाहते हैं। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार के अनुभव में आता है, परमेश्वर चाहता है कि वो किसी न किसी माध्यम से अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। प्रिय और आगे बढ़ने का सबसे पहला जो एक सिंबल या एक इंडिकेटर जिसको हम बोलते हैं, एक जो चिन्ह होता है, वो ये होता है कि वो व्यक्ति कभी भी निष्क्रिय नहीं होता। प्रिय वो व्यक्ति आत्मिक जीवन में वो हमेशा सक्रिय होता है, चाहे तो वचन पढ़ने के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, सुसमाचार सुनाने के माध्यम से, दान और वरदान के माध्यम से, या लीडरशिप के माध्यम से, या कोई और दूसरे प्रकार से। प्रिय वो व्यक्ति जो होता है वो उसका सबसे पहला जो चिन्ह बाइबल में दिया गया है वो कि वो व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के राज्य के काम के लिए तत्पर रहता है। प्रिय वो परमेश्वर के राज्य के काम को करना चाहता है, उसके अंदर एक डिजायर आ जाती है, उसके अंदर परमेश्वर की एक तीव्र इच्छा होती है कि वो परमेश्वर के राज्य के काम को किस प्रकार से दूसरों तक पहुंचाने वाला व्यक्ति बन जाए। प्रिय तो ये कहलाती है प्रिय फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री, और ये इसीलिए दी गई है हमें ताकि परमेश्वर के वचन की सेविकाई हम सभी मसीह भाई बहन अच्छी रीति से कर सके। प्रिय और आज मैं ऐसा कहूँ कि जब से मैं हिंदी बाइबल अध्ययन समूह से जुड़ा हूँ, सन 2020 से मैं जुड़ा हूँ प्रिय, मुझे लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं, तब से लेकर अब तक सुसमाचार का गहन अध्ययन, सीखने एवं सिखाने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। प्रिय बहुत कुछ मैंने इस बाइबल समूह से जुड़कर परमेश्वर के वचन को जाना, परमेश्वर के वचन की गहन अध्ययन को समझा। प्रिय हम सभी बहुत गर्व हमें महसूस करना चाहिए कि हमारे बहुत अच्छे आत्मिक गुरु हमारे इस कलीसिया, इस छोटे से समूह से जुड़े हुए हैं, और आप सभी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते और पहचानते हैं। प्रिय तो जो आशीष मुझे परमेश्वर ने दिया है वो आपको भी कहीं ना कहीं परमेश्वर से, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको मिली है। प्रिय उनको हमको दूसरों को बांटने की आज आवश्यकता है, पर मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने भी अपने आत्मिक आशीष परमेश्वर के समूह से जुड़ने के द्वारा आपने प्राप्त की होंगी। आइए हम इस फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री को और अधिक तरीके से समझते हैं। 1824 में प्रियो स्कॉटलैंड देश में प्रभु का एक बहुत महान पासवान हुआ करता था, जिसका नाम था एडवर्ड इरविन। एडवर्ड इरविन जो थे वो स्कॉटलैंड के बहुत महान प्रचारक पास्टर बने। उन्होंने सबसे ज्यादा जो जोर दिया इस पांच प्रकार की सेविकाई के बारे में ही दिया। 1824 से लेके 1832 तक वो लगातार इन फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री को और इस फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री के बारे में वो परमेश्वर के लोगों को सिखाते थे, परमेश्वर के लोगों को समझाते थे और परमेश्वर के लोगों को तैयार करते थे, ताकि किसी न किसी गिफ्ट्स जो परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को दिया है उस गिफ्ट्स को वो पहचाने और परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए वो उसे इस्तेमाल करने वाला बन जाए। प्रिय और परमेश्वर के जब इस कलीसियाई के बारे में वो बहुत लोगों को समझाते थे, सिखाते थे, तो एक बहुत अच्छी बात पास्टर इरविंग ने बोला वह यह है कि अगर यीशु मसीह का जो सहस्त्राब्दी राज्य की जो शुरुआत होगी वो इसी के माध्यम से होगी। प्रिय सहस्त्राब्दी साम्राज्य या राज्य का मतलब होता है 1000 वर्ष का राज्य,
कि किस प्रकार से लोग अपने आत्मिक वरदानों को जाने पहचाने और उसको किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करने वाले हो सके। प्रियो इसी के बारे में जो पास्टर एडवर्ड इरविन जो स्कॉटलैंड देश में और दूसरी जगहों में भी जहां जहां उन्होंने अपनी सेविकाई को दिया है उसको दिया करते थे प्रियो, और इसका महत्व ये हुआ कि पूरे स्कॉटलैंड देश में परमेश्वर का वचन पहुंचा और स्कॉटलैंड देश के लोगों ने प्रभुषि को ग्रहण किया। प्रियो आइए प्रिय मसीह भाई बहनों, आप भी यदि परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं या कुछ करने की इच्छा आपके मन में रखते हैं तो प्रभु से आपको जैसे भी अगुवाई मिले आप उस काम को हमेशा भरसक करने का प्रयास करें। जो भी इच्छा परमेश्वर ने आपके मन में डाली है परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए उसको हमेशा उस काम को आप भरसक करने का प्रयास करें, क्योंकि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर आपके मन को देखता है, आपकी दशा को नहीं देखता। आप जैसी भी दशा में हैं आज उसी दशा में परमेश्वर अपनी महिमा आपसे ले सकता है। प्रिय हो सकता है आप केवल इतना करते हो कि अगर आपकी आवाज अच्छी हो और अगर आप परमेश्वर के लिए गाना गाते हैं कलीसियाओं में, परमेश्वर के भजनों को गाते हैं और कलीसियाओं में आप लोगों को परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के भजन को आप सुनाते हैं तो उसी के माध्यम से आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। प्रिय तो जो भी परमेश्वर ने आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दिए हैं प्रभु उसको सर्वप्रथम आप अपने आत्मिक जीवन में पहचाने और दूसरों को आप बांटने वाले हो जाए। प्रिय समर्पण के साथ आप परमेश्वर के उस कार्य को करने में आप लग जाए। प्रिय जो भी परमेश्वर ने आपके मन में रखा है किसी भी माध्यम से, उदाहरण के लिए यदि परमेश्वर ने आपको अच्छी आवाज दी है तो आप परमेश्वर के लिए मधुर गीतों को गाएं, मधुर गीतों की रचना करें और दूसरों को भी आप उन्हें सिखाएं और प्रेरित कर सकते हैं। यदि आपकी आर्थिक दशा परमेश्वर ने बहुत अच्छी रखी है, प्रिय हो सकता है हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक दशा बहुत अच्छी है तो आप अपने दान और वरदानों के द्वारा प्रभु की महिमा को आप कर सकते हैं। प्रिय प्रार्थना पूर्वक आप परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप अपने दान और वरदान का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिय ठीक वैसा ही जैसे आज से हजारों वर्ष पूर्व कुर्नेलियुस ने किया था, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय की 31वीं आयत को अगर आप पढ़ें तो वहाँ कुर्नेलियुस नाम का एक व्यक्ति था जो कि परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए वह प्रार्थनाएं किया करता था प्रियो, और प्रार्थना के साथ वो दान भी किया करता था। और एक समय ऐसा उसके जीवन में आया जबकि उसकी प्रार्थनाएं और उसके दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंच गए प्रियो, और परमेश्वर ने उसको एक्नॉलेज किया और एक अपने स्वर्गदूत को भेजकर कुर्नेलियुस को ये आज्ञा दी कि तू मेरे दास पौलुस को अपने घर में उतार, क्योंकि वो बहुत दिनों से एक ऐसे परिवार के पास है जो कि चमड़े का धंधा करता है। पौलुस हम सब जानते हैं जब समाचार सुनाने में जब स्टार्टिंग डेज में वो था तो बहुत सालों तक वो ऐसे जगह में रहा जहां पर चमड़े का धंधा करने वाले व्यक्ति के यहाँ रहता था, और वहां से उसको कुर्नेलियुस के पास भेजा गया। कुर्नेलियुस के पास उसको इसलिए भेजा गया ताकि कुर्नेलियुस का पूरा परिवार, उसका पूरा घराना उद्धार पाए और उसके माध्यम से वो दूसरी जगहों पर भी भेजा जाए जहाँ सुसमाचार पहुंचाने की आवश्यकता थी। प्रियो तो आपको और मुझे नहीं मालूम प्रियो कि किस प्रकार से परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवन से लेगा, हमको नहीं मालूम किस प्रकार से परमेश्वर काम करता है, वो सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। लेकिन जो भी इच्छा या टैलेंट्स या अवसर परमेश्वर आपको देते हैं प्रियो उसी अवसर का इस्तेमाल करके आप परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करना शुरू कर दें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप प्रार्थना करें, ताकि हो सकता है आपकी प्रार्थना से हमारा संगठन, हमारा ये समूह है ये और मजबूत हो जाए, और हो सकता है परमेश्वर किसी के जीवन में आशीष का एक द्वार खोल दे और वो आपकी प्रार्थना के द्वारा हो सकता है। प्रिय तो जिस किसी भी माध्यम से परमेश्वर आपको आत्मिक वरदान देता है, आपको गिफ्ट देता है, टैलेंट्स देता है, रिसोर्सेज देता है, उन चीजों का इस्तेमाल करके आप परमेश्वर की महिमा को कर सकते हैं। तो एक इंग्लिश में एक सेइंग है प्रियो, आपको उसके सामने में बांटूंगा, उसके बाद फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। आपके लिए बहुत अच्छी बात मुझे लगी और उसका लिखने वाले का मैं नाम तो नहीं जानता लेकिन आपके बीच में बांटूंगा। इंग्लिश में एक सेइंग है, एवरी बिलीवर इज अ लीडर एंड एवरी लीडर इज अ सेंट एंड एवरी सेंट इज अ सर्वेंट। हिंदी में इसका अनुवाद इस प्रकार है, हर विश्वासी जो है वह एक लीडर के समान है, हर विश्वासी जो है वो एक लीडर एक नेता के समान है, और हर एक नेता या लीडर एक संत के समान है, और हर एक संत जो है वो एक सेवक के समान है। प्रिय तो अगर आप अपने आप को एक विश्वासी समझते हैं तो आप जानिए कि परमेश्वर ने आपको एक लीडर भी बनाया है, आपके अंदर लीडरशिप गुण दिया है ताकि आप अपने झुंड की अपने गढ़ की रखवाली करें,
और अगर आपको लीडर बनाया है तो आपको संत भी परमेश्वर ने बनाया है, आप एक संत के समान है जो कि एक पवित्र जीवन जिए। और अगर आप एक संत है तो आप एक सेवक भी है प्रियो, जो कि सेविकाई के माध्यम से परमेश्वर के राज्य के लिए आप काम कर सकते हैं प्रियो। तो प्रियो अपने आत्मिक आप वरदानों को पहचाने और प्रभु यीशु के राज्य में अपना सर्वोत्तम देने के लिए प्रयासरत रहें, अपना बेस्ट देने के लिए आप हमेशा समर्पित रहें, ताकि परमेश्वर उसको वैल्यू करेगा, परमेश्वर उसको महत्व देगा और आपको दूसरों के लिए जो है आशीष का एक पात्र बना देगा, आशीष का आपको एक केंद्र बना देगा। तो आपके लिए बस इतना ही संदेश है, प्रभु आपकी और मेरी सहायता करे इस वचन को पूरा करने के लिए। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सलील भाई, आपने वचन की सेवकाई को किया, पांच प्रकार की सेवकाई को बताया और आपने बताया कि किस तरह से हमें जो कुछ भी तोड़ा एक मिला है, जो भी टैलेंट हमें मिला है उसका उपयोग हम प्रभु की सेवकाई में करने पाए। सो पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आपको भी सुंदर तरीके से वचन की सेवकाई करने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपकी जरूरतों को पूरा करें और नए नए प्रकाशन के साथ आप वचन की सेवकाई को करने पाए, ये हमारी प्रार्थना है। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रेयर ग्रुप के सभी भाई बहनों को उत्साहित करने हेतु हमारे भाई जॉली थॉमस इंदौर से उद्बोधन करेंगे। समय है भाई जॉली को कि वो उद्बोधन करें। धन्यवाद सुधा। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चार साल का सफर बहुत लंबा रहा, आप लोगों के सभी के सहयोग से हम एक एक साल निरंतर सदस्य जुड़ते गए, आगे बढ़ते गए। अपन इस प्रकार ये अपना आज ये चौथा साल अपन मना रहे हैं, ये बड़ा हर्ष की बात है। विशेष तौर पे प्रेयर ग्रुप अपने लिए इससे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग जो प्रेयर करते हैं दिन में तीन बार, हम सभी के लिए अपने जरूरतों के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग हमें सिखाते हैं, बताते हैं और जताते भी हैं, तो अच्छा लगता है समझना सीखना। और ये क्योंकि चौथा साल है, अब इसको हम निरंतर और इसी बढ़ाते रहेंगे। विशेष तौर में जॉर्ज भाई और पास्टर ग्रेगरी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो इसको निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। हर साल हम कुछ न कुछ करते ही, इस वर्ष भी हम पिछले वर्ष की तरह अपने जितने भी प्रेयर ग्रुप के सदस्य हैं उनका मोबाइल रिचार्ज करके हम दे रहे, इस वर्ष भी हमने किया है, क्योंकि कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका अभी रिचार्ज होने का समय नहीं आया है, तो उनको हम पेंडिंग पे रख रहे हैं, वो समय जैसे आएगा वो जॉर्ज भाई बता देंगे हम कर देंगे। अभी हम चार लोगों का हमने रिचार्ज तो कर दिया है और बाकी भी के सदस्य हैं जो प्रेयर ग्रुप के लिस्ट हमारे पास है, उनका भी हम मोबाइल रिचार्ज कर देंगे। ये हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के सदस्यों के द्वारा, प्रेयर ग्रुप के सदस्यों के द्वारा ही किया जा रहा है। मुख्य तौर पे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं कि आप लोग जो प्रेयर में हमें याद रखते हैं ग्रुप के सदस्यों को, आप जो प्रेयर करते हैं सबसे महत्वपूर्ण है। रात को 12 बजे आप लोग की टाइमिंग जो अलग अलग होती है, 2 बजे सुबह 4 बजे, मतलब दिल से करने वाला काम है आप लोग जो करते हैं, उसके लिए विशेष तौर पर सभी का धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही प्रेयर में जुड़ते रहिए और भी अपने परिवार को सदस्यों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। विशेष तौर पर मैं यही कहना चाहता हूँ सभी लोगों का, आज जुड़े हैं सभी का धन्यवाद, और जो नहीं जुड़ पाए उनको भी आप विशेष तौर पर बताएं कि आज अपना जो चौथी वर्षगांठ ये संपन्न हुआ। धन्यवाद सिस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जॉली आपको और इस पहल के लिए कि प्रेयर ग्रुप में जुड़े भाई बहनों का मोबाइल रिचार्ज हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं आप सबों का। परमेश्वर पिता को भी धन्यवाद देते हैं जिसने ये आप लोगों के मन में विचार को डाला है। इतने अच्छे कार्यक्रम हेतु मैं चाहूंगी कि धन्यवादी प्रार्थना हमारी जो सबसे सीनियर है सिस्टर अंजना भोपाल, उनके द्वारा किया जाएगा। धन्यवादी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें सिस्टर अंजना भोपाल से। सबों को जाना सीखी, आइए हम धन्यवादी प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ है हमारे महान स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तारीख और शुक्रगुजारी के साथ आपके पास पहुँचे हुए हैं प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु इस समय तक आपने हम सबों को सुरक्षित रखा, अपनी हिफाजत में रखा, अपने अनुग्रह में रखा, इसके लिए लाख लाख धन्यवाद देते प्रभु। विशेष करके धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हम सबों की प्रार्थनाओं के जरिए से जो सालगिरह मनाई गई है चौथी सालगिरह, प्रभु इस समय तक आपने हम सबों को अच्छा रखा, स्वस्थ रखा प्रभु, और सब इसमें जुड़ रहे हैं, ये सिर्फ आपका अनुग्रह और आपकी दया है प्रभु।
होने दीजिए कि हम लोग इस चारों ग्रुप में जुड़ने के लिए कभी भी पीछे ना हटे, कभी भी ना छोड़े ग्रुपों में जमा होना, और विशेष करके आपके वचनों में बने रहे, क्योंकि हम जानते हैं जो आपके वचनों में बना रहता है उसे किसी भी बात से कभी भी वंचित नहीं होना पड़ेगा और न होना पड़ता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं चारों ग्रुपों पर आपका अनुग्रह बना रहे, आपकी उपस्थिति में सब चारों ग्रुप ईमानदारी के साथ और सच्चाई से आपको अपने सन्मुख रख करके जुड़ते रहे और एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं, एक दूसरे के लिए प्रभु निवेदन करते रहे। धन्यवाद देते आज के कार्यक्रम के लिए प्रभु, जो सबों ने बड़ी मेहनत से प्रभु, बड़ी लगन से और आपको उपस्थित जान करके एक दूसरे का सहयोग दिया प्रभु, जिन्होंने गीत गाया प्रभु, जिन्होंने प्रभु आराधना की, जिन्होंने गवाहियां दी प्रभु, जिन्होंने पूरे प्रोग्राम को लीड किया प्रभु, और जिन्होंने प्रभु इस पूरे कार्यक्रम का विवरण दिया प्रभु, और प्रभु जौली भाई के लिए एक एक जन के लिए जो कि इसमें शरीक हुए प्रभु, नाम बनाम हरेक को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती प्रभु, धन्यवाद देती प्रभु, उन लोगों को अपनी आशीषों में हमेशा बनाए रखिए, अपने विश्वास में बना के रखिए कि आपकी उपस्थिति में रहें, आपको खुश करने के लिए आगे दिन पर दिन इन कार्यों में और आशीषित हों और आपको आदर महिमा दे सके। धन्यवाद देते एक एक जन को अपने लहू में छिपाइए, अपनी सामर्थ्य में रखिए, खास तौर से प्रभु धन्यवाद देते जिन्होंने इस कार्यक्रम को तैयार किया प्रभु, हम जानते हैं उसके लिए मेहनत करना बहुत बड़ी बात है, जितने जनों ने भी इस कार्यक्रम को बनाने में मेहनत करी प्रभु, अपना सहयोग दिया, सबों को प्रभु किसी भी बात की कमी घटी ना होने पाए प्रभु, उन लोग हमेशा आप में प्रसन्नचित रहें, आपके भय में रहें और आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान देते रहें। हम मनुष्यों को नहीं परंतु आपको खुश करने के लिए हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में एक दूसरे को याद रखें। सलील भाई के लिए धन्यवाद देते जिन्होंने बहुत अच्छा वचन दिया प्रभु, होने दीजिए कि हम लोग भी प्रभु सेवाओं को करने के लिए हमेशा तत्पर रहें, आपकी महिमा के लिए अपने आप को समर्पित कर दें और सेवा करके प्रभु आपके नाम को अपने जीवनों से ऊंचा करें। प्रभु सलील भाई को भी प्रभु आप आशीषित कीजिए प्रभु, खास तौर से मैं इस समय प्रभु सुषमा मैडम को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती प्रभु, जबकि वो बीमार है प्रभु उन पर अपने लहू को छिड़क दीजिए, जो कुछ भी उनको तकलीफ है, बुखार है, जो कुछ भी है, नाम से आपसे विनती करती हूँ प्रभु उनके अंदर से खत्म हो जाए और वो पूरी रीति से स्वस्थ हो जाए। जितने लोग उनके लिए प्रार्थनाएं किए हैं और कर रहे हैं सबकी प्रार्थनाएं आपने सुन ली है और हाँ और आमीन ने आपने जवाब दे दिया है। धन्यवाद और भी जो कुछ जिन लोगों के लिए मांगना भूल गई उनके लिए भी मेरी प्रार्थना सुनिए। जॉनसन प्रजा को विशेष करके आपके हाथों में सौंपती प्रभु, उनको किसी प्रकार से टेंशन में मत रहने दीजिए प्रभु, उनको शक्ति सामर्थ्य बढ़ दीजिए, जो सेवा उनके जरिए से चलाई जा रही है प्रभु हम जानते हैं उन्होंने अपने जीवन को आपके लिए अर्पित कर दिया है, उनको आशीषित कीजिए, अच्छी तंदुरुस्ती दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए और दीर्घायु देके सबके लिए एक आशीष का कारण हमेशा बनाए रखिए, उनके घर में किसी भी बात की कोई कमी घटी ना हो, आपकी आशीषें उन दोनों पति पत्नी के द्वारा लोगों को मिलती रहे और लोगों में फैलती जाए। सब बातों में आपको आदर महिमा देते हैं, एक एक जन को छोटे से लेकर के बड़े तक को जो इस ग्रुप में है, जो सेवा करते हैं, जो प्रभु जुड़ते हैं आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, जो कार्य प्रभु हो रहा है, ये जो प्रभु बैलेंस डाला जा रहा है प्रभु उसके लिए धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं बैलेंस को अच्छे कामों में इस्तेमाल करें, विशेष करके प्रार्थनाओं के लिए कोई गलत काम में ये बैलेंस यूज ना हो प्रभु, ताकि प्रभु आपको उसके जरिए से भी आदर महिमा मिले। जो कुछ मैंने मांगा प्रभु भूल चूक हो गई, क्षमा कीजिए, इस विनती को अपने उद्धार करता यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांग लेती, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद अंजना सिस्टर, आप इस प्रेयर ग्रुप के लिए एक मजबूत खंबा है, परमेश्वर आपको दीर्घायु से तृप्त करे, भला चंगा और स्वस्थ रखे, ताकि आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा हम सभी आशीषित होने पाए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद और आपको भी हृदय से धन्यवाद। समय होगा सूचनाओं का, मैं सूचना दे रही हूँ। आज चूंकि हम सब जुड़े हैं
तो कल जो हिंदी बाइबल स्टडी गुरुवार को होता है वो कल नहीं होगा। जो दूसरी सूचना है वो ये है कि प्रति गुरुवार प्रेयर ग्रुप के सदस्य ही प्रार्थना करेंगे, तो ध्यान रखें कि इतने लोग प्रार्थना में जुड़ते हैं तो हिंदी बाइबल स्टडी में भी जब वो जुड़े तो उनके द्वारा प्रारंभिक प्रार्थना और धन्यवादी प्रार्थना करवाई जाएगी। यदि आप जो प्रेयर ग्रुप के सदस्य हैं वो वचन की सेवकाई करना चाहते हैं तो आपके लिए समय होगा, अवसर होगा कि आप भाई जॉर्ज को अपना नाम दे दें ताकि भाई जॉर्ज हमारे बिब्लिकल फैसिलिटेटर हैं, उनसे जॉनसन भाई से बात करके और आपके द्वारा वचन की सेवकाई की जा सके। एक और विशेष प्रार्थना ये है कि सिस्टर सुषमा के लिए हम सब मिलकर लगातार प्रार्थना करें और हमारा विश्वास है कि उन्होंने चंगाई को पाया है, लेकिन जो कुछ भी कमजोरी है वो यीशु के नाम से दूर हो और पूर्ण रूप से वो स्वस्थ रहने पाए। ये प्रार्थना हमारा ग्रुप लगातार करता रहे। समय होगा आशीष वचन का और मैं पास्टर ग्रेगरी से निवेदन करूंगी आशीष वचन देने में वो अगुवाई करें। हाँ, हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सब कॉन्फ्रेंस के भाई बहन एवं उनके परिवार के साथ सदा लो होती रहे। आमीन आमीन आमीन, आमीन।, 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 आमीन।